कांग्रेस की सरकार में ही बढ़ावा मिला है, उन्हें सर्टिफिकेट मिल गया मर्दानगी का। इन पापियों को राजस्थान में कानून की स्थिति ये हो गई है कि अब बहन बेटियां अपने काम से खेत खलिहान जाने से भी डरने लगी है। आज राजस्थान में घर से बाहर निकलने के बाद कोई छात्रा सुरक्षित महसूस क्यों नहीं करती? आज राजस्थान की हर बहन बेटी पूछ रही है कि क्या उसे सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है? मैं राजस्थान की माताओं, बहनों, बेटियों, आपका दर्द समझता हूं। मैं आपका आक्रोश समझता हूं। बहनों बेटियों पर अत्याचार तभी रुकेगा जब यहां से कांग्रेस की विदाई होगी। कांग्रेस की विदाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बहन बेटियों की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बहन बेटियों को सम्मान से जीने का अधिकार है कि नहीं है? माताओं बहनों को गौरव से जीने का अधिकार है कि नहीं है? राजस्थान से भाजपा गुंडा राज और अपराध पूरी तरह खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। भाजपा राजस्थान की हर बेटी, हर बहू को ये विश्वास दिलाती है कि उसे सम्मान से जीने और सुरक्षित माहौल में घर से निडर होकर निकलने का अवसर मिलेगा। और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, कांग्रेस ने राजस्थान के 5 साल बर्बाद किए हैं। 5 साल तक राजस्थान की सरकार इसी में उलझी रही कि कुर्सी पर कौन बैठेगा, कुर्सी कौन खींच लेगा, अब कुर्सी बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा। ये कुर्सी की इस लड़ाई में कांग्रेस ने जनता के मुद्दों की परवाह नहीं की। कांग्रेस ने राजस्थान के गरीबों, दलितों, वंचितों के लिए कुछ नहीं किया। वो कुर्सी के लिए लड़ते रहे और अब चुनाव आए हैं तो पहले वो झूठे वादों का झुंझुना लेकर आदतन मैदान में आ गई है। लेकिन राजस्थान के लोग उनके वादों की सच्चाई जानते हैं। जिन राज्यों में कांग्रेस को चुनाव जीतने का अवसर मिला है वहां कैसे उनके हर वायदे झूठे साबित हो रहे हैं, उसे हम सब देख रहे हैं। सौगंध लेना मेवाड़ का संस्कार है, लेकिन मेवाड़ सौगंध को जीतना जानता है, सौगंध के लिए मरना जानता है। मेवाड़ किसी को धोखा नहीं देता।
लेकिन यहां की कांग्रेस सरकार 5 साल से जनता को धोखा ही दे रही है। कांग्रेस की हर योजना में एक धोखा जरूर होता है। कांग्रेस ने मिडिल क्लास को राहत देने का वादा किया था, लेकिन कांग्रेस सरकार पेट्रोल डीजल पर रिकॉर्ड टैक्स वसूल कर रही है। मध्य प्रदेश से यहां पेट्रोल महंगा है, गुजरात से यहां पेट्रोल महंगा है, गोवा से यहां पेट्रोल महंगा है, अरे उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य से भी राजस्थान में महंगा है। कांग्रेस ने राजस्थान में गरीबों को राशन देने का वादा किया, लेकिन यहां की सरकार बच्चों का राशन तक खा गई, बच्चों का राशन खा गई। कांग्रेस ने यहां बिजली बिल में सब्सिडी देने का वादा किया था, लेकिन अब लोगों से बकाए बिल के नाम पर 10 गुना ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। कांग्रेस की नीतियों की वजह से यहां बिजली की इतनी किल्लत हो गई है कि उद्योग तबाह हो गए हैं। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस का एक ही एजेंडा है, राजस्थान को लूटो, कांग्रेसियों की तिजोरी भरो। भ्रष्टाचार कांग्रेस के लिए हवा पानी की तरह है, जैसे हवा पानी के बिना कोई रह नहीं सकता, ये कांग्रेस भी उसके बगैर कांग्रेस का काम चल ही नहीं सकता। राजस्थान में कांग्रेस के नेता खुद कह रहे हैं कि हां ऐसी लूट मची है, ऐसी लूट मची है जैसी देश में कहीं और नहीं है, ये उनके नेता बोल रहे हैं। और आप देखिए, यहां के भ्रष्ट अधिकारियों के लॉकर से भारी मात्रा में सोना बरामद हो रहा है। सोना अभी आलू में से बना हुआ सोना है कि लोगों के जेब काट करके बना हुआ सोना है? ऐसे ऐसे मामले सामने हैं जहां सीएम के करीबी अफसर 1 साल में 2-2 दर्जन फ्लैट खरीद ले रहे हैं। राजस्थान को इस जंगल राज से निकालना बहुत जरूरी है, निकालना चाहिए ना, इस जंगल राज से मुक्ति मिलनी चाहिए ना, राजस्थान को उसका गौरव फिर से मिलना चाहिए ना, इसके लिए कांग्रेस का जाना जरूरी है ना। यहां भाजपा सरकार आने के बाद हर भ्रष्टाचारी पर, सुन लीजिए और जो अपने यहां घर से मुझे सुन रहे हैं वो भी समझ ले, हर भ्रष्टाचारी पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जिन्होंने राजस्थान को लूटा है उन्होंने लौटाना ही पड़ेगा। साथियों, आप सबने मुझे सेवा करने का अवसर दिया है और आपने मुझे आदेश दिया है, आपके आदेश का मुझे पालन करना है। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं, क्या मेरा रास्ता सही है? मुझे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ते रहना चाहिए? इस देश से भ्रष्टाचार को नेस्त नाबूद करने के लिए मुझे ताकत लगानी चाहिए? लेकिन मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहा हूं,
तो जो जमानत पे घूम रहे हैं ना, उनका बुखार उतरता नहीं है। ये सारे नेता देखिए, कोई जेल काट करके चल जमानत पे है, कोई केस चलने पर जमानत पर है, ये सारे जमानत पर है। और वो सुबह शाम मोदी 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 करते हैं। मैंने सुना किसी ने कहा था कि राजस्थान में छोटी मछलियों को ही पकड़ा जाता है, बड़ी मछलियों पर कार्रवाई नहीं होती। जरा कान खोल करके सुन लो, मैं उन सबको कहना चाहता हूं, छोटी बड़ी हर मछली पर कार्रवाई होगी। और फिर मछली ही नहीं, जनता को लूटने वाले बड़े बड़े मगरमच्छ भी छोड़े नहीं जाएंगे। आपने देखा है, यहां राजस्थान में सिर्फ एक लाल डायरी, एक लाल डायरी कांग्रेस के जी का जंजाल बन गई है, जी का जंजाल बन गई है। लाल डायरी में कांग्रेस के काले कारनामे छिपे हुए हैं। भाजपा की सरकार बनने के बाद कांग्रेस के भ्रष्टाचार को बेनकाब करने वाली हर लाल डायरी बाहर आकर के रहने वाली है। साथियों, राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने यहां के युवाओं के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। राजस्थान में दर्जन भर से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, कितनी मेहनत से हमारे युवा परीक्षा की तैयारियां करते हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार को राजस्थान के युवाओं की चिंता नहीं है। वो तो एक ही युवराज के लिए मरे पड़े हैं। भ्रष्टाचार की आदि हो चुकी कांग्रेस अपनी तिजोरी भरने के लिए पेपर लीक माफिया को बढ़ावा दे रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भाजपा की सरकार छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले माफिया पर कड़ी कार्रवाई करके रहेगी। छात्र छात्राओं को न्याय दिला करके रहेगी। भाजपा राजस्थान में पारदर्शी तरीके से परीक्षा लेने और युवाओं को अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरे परिवारजनों, मेवाड़ के इस क्षेत्र में हमारे जनजातीय समाज के लोग काफी संख्या में रहते हैं, और हम गुजरात वालों को तो उदयपुर ऐसा लगता है जैसे हमारा ही घर है। जनजातीय समाज को मुख्य धारा में लाए बिना देश का विकास नहीं हो सकता। केंद्र की भाजपा सरकार की योजनाओं का बहुत बड़ा लाभ हमारे जनजातीय समाज को, आदिवासी समाज को भी हुआ है। मानगढ़ धाम के सैकड़ों गुमनाम वीरों के साथ इस मेवाड़ी मिट्टी की महक अब दिल्ली में बन रही अमृत वाटिका में भी रच बस गई है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने का निर्णय बीजेपी ने ही किया है।
ये दिवस उन करोड़ों आदिवासी भाई बहनों के योगदान को समर्पित है जिसे कांग्रेस ने बार बार इतिहास के पन्नों से मिटाने का प्रयास किया। जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी तो उसने आदिवासियों के कल्याण को कभी प्राथमिकता नहीं दी, जबकि केंद्र की भाजपा सरकार ने आदिवासी कल्याण योजनाओं के लिए करीब करीब 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 1,00,000 करोड़ रुपए भाजपा सरकार उनकी छोटी छोटी आवश्यकताओं का ध्यान रख रही है। पिछले 9 वर्ष में 1,30,00,000 आदिवासी घरों में नल से जल पहुंचा है। भाजपा सरकार ने 1,50,000,000 आदिवासियों के घर में शौचालय भी बनाए हैं। करीब 1,00,000 आदिवासी भाई बहनों को भाजपा सरकार ने आयुष्मान कार्ड भी दिया है। हमारे आदिवासी समाज की बहुत बड़ी ताकत उनके पास मौजूद पशुधन होता है। उनके पशुधन सुरक्षित रहे इसके लिए भाजपा सरकार 15,000 करोड़ रुपए खर्च करके पशुओं का टीकाकरण करवा रही है। जैसे कोविड के समय हिंदुस्तान के हर नागरिक को कोविड का वैक्सीन दिया गया। आपको वैक्सीन लगा कि नहीं लगा? लगा कि नहीं लगा? क्या 1 रुपया भी खर्चा करना पड़ा क्या? 1 रुपया भी खर्चा करना पड़ा क्या? जैसे मैंने इंसानों के लिए किया है वैसे ही पशुओं के लिए मुफ्त वैक्सीन के पीछे 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं ताकि गरीब आदिवासी पशु को बचा सके। एक समय था जब सिर्फ 8 या 10 वन उपज पर ही एमएसपी मिला करता था। भाजपा सरकार में अब करीब करीब 90 वन उपज पर एमएसपी मिल रहा है। वन धन विकास केंद्रों के जरिए अब इस वन उपज को नए बाजार भी मिल रहे हैं। जनजातीय समाज के हमारे बेटे बेटियों को अच्छी शिक्षा मिले इसके लिए हमारी सरकार ने राजस्थान में 30 एकलव्य स्कूल भी खोले हैं। साथियों, राजस्थान का चौतरफा विकास ये भाजपा का संकल्प है, लेकिन राजस्थान डबल इंजन की सरकार ना होने का खामियाजा भुगत रहा है। केंद्र की सरकार यहां विकास के लिए जो पैसे भेजती है वो राजस्थान में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। राजस्थान की हमारी माताओं बहनों को पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। पूरे देश की तरह राजस्थान में भी जल जीवन मिशन चलाया जा रहा है, लेकिन यहां की कांग्रेस सरकार ने इस योजना में भी लूटने का रास्ता खोज लिया। यहां कबाड़ के भाव में पाइप खरीदकर जमीन के नीचे बिछा दिया गया। यहां की कांग्रेस सरकार से सहयोग ना मिलने के बावजूद केंद्र सरकार राजस्थान की बहन बेटियों को सशक्त करने में जुटी हुई है। राजस्थान के करीब 48 लाख घरों को नल से जल की सुविधा मिली है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांवों में बने लाखों शौचालय महिलाओं की गरिमा की रक्षा कर रहे हैं। राजस्थान में करीब 70 लाख बहनों को उज्ज्वला एलपीजी गैस कनेक्शन की सुविधा मिली है। इनमें से करीब 30 लाख कनेक्शन सबसे गरीब हमारी एससी एसटी बहनों को दिए गए हैं। राजस्थान में
जनधन खाता हो या मुद्रा लोन, बड़ी संख्या में हमारी माताओं बहनों को इसका लाभ मिला है। पीएम आवास योजना के तहत यहां राजस्थान में करीब 17 लाख पक्के घर बने हैं। इनमें से भी ज्यादातर घरों का मालिकाना हक हमारी बहनों को मिला है। हम जानते हैं हमारे यहां घर होगा तो किसके नाम पर, या तो पति के नाम पर या पिता के नाम पर, खेत होगा तो पति के नाम पर या पिता के नाम पर या बेटे के नाम पर, दुकान होगी तो पति के नाम पर या पिता के नाम पर, गाड़ी खरीदेंगे तो पति के नाम पिता के नाम, ट्रैक्टर लाएंगे तो पति के नाम या पिता के नाम, महिलाओं के नाम कुछ होता ही नहीं है, सही बात है ना। लेकिन ये आपका बेटा महिलाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता देता है, इसलिए मैंने तय किया कि पीएम आवास के मकान मैं महिलाओं के नाम दूंगा, ताकि मेरी माताएं बहनें मालकिन बने, घर की मालकिन माताएं बहनें बने, ये काम मैं कर रहा हूं। साथियों, केंद्र की भाजपा सरकार की प्राथमिकता गरीब, वंचित और किसान है। किसानों को सशक्त बनाने के लिए राजस्थान के करीब 80 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि से मदद मिल रही है। अब तक यहां 17,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर हो चुके हैं। गरीबों को भूखे पेट नहीं सोना पड़े, इसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई जा रही है। हमें मालूम है कोविड का समय कैसा था, घर से बाहर निकलना मुश्किल था। एक कमरे में बेटा बीमार हो तो मां भी उस कमरे में जा नहीं सकती थी, मां बीमार हो तो बेटा वहीं ना जा सकता था। पूरी दुनिया के ऊपर मौत मंडरा रहा था, पता नहीं कौन किसको बीमारी लग जाए और कौन चला जाए, हर कोई तनाव में था। 1.5-2 साल ऐसे समय गया, बाहर की दुनिया ठप पड़ी थी, बाहर निकलना मुश्किल था। और तब मोदी ने संकल्प किया था कुछ भी हो जाए, मौत से मुकाबला है, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मेरे देशवासियों की रक्षा करने के लिए मुझसे जो हो सकेगा वह करूंगा। और मैंने ये भी तय किया, मुसीबत बहुत बड़ी है लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि कभी भी गरीब के घर का चूल्हा बुझना नहीं चाहिए, कभी भी गरीब का बेटा भूखे पेट रात गुजारने के लिए मजबूर ना हो, कभी भी गरीब मां अपने भूखे संतानों को देखकर रात भर बिलकती न रहे। ये आपका बेटा देख रहा था, आप सो सको इसलिए मैं जाग रहा था। और इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की। उस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से देश के 80 करोड़ लोगों को आज भी मुफ्त राशन मिल रहा है, 80 करोड़ लोगों को। भाइयों बहनों, ये पुण्य का काम है कि नहीं है, ये पुण्य का काम है कि नहीं है? भूखे को अन्न मिलता है तो आशीर्वाद देता है कि नहीं देता है? ये पुण्य के हकदार कौन है? ये पुण्य किसका है? ये पुण्य किसका है? ये पुण्य किसका है? ये पुण्य मोदी का नहीं है, ये पुण्य आपका है, ये पुण्य के हकदार आप है,
क्योंकि आपने एक वोट डाल करके मोदी को बिठाया था और इसलिए जो भी पुण्य कार्य कर रहा हो ना उसके हकदार आप है। अगर आपने वोट देकर मुझे न बिठाया होता तो ये पुण्य का काम न होता, और ये पुण्य का काम न होता तो पुण्य के काम पर किसी का हक भी न होता। ये पुण्य के काम पर हक आपका है। राजस्थान में भी 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को ये मुफ्त राशन का लाभ मिला है। साथियों, आप जानते हैं कि ये योजना दिसंबर महीने में पूरी हो रही है, लेकिन ये पुण्य का काम है, पवित्र काम है। मेरा मन करता था कि इसको बंद नहीं होना चाहिए, गरीब के आशीर्वाद मिलते। और इसलिए मैंने मनोमन संकल्प कर लिया, मैंने निश्चय कर लिया कि गरीबों को जो ये राशन मिलता है ना, अब 5 साल और मिलेगा।